हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का सबसे बेसिक पार्ट। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का इंट्रो है, इसी से इस टॉपिक का आउटपुट हमें मिलता है, या यूं कहिए कि केमिस्ट्री की ये एंट्री है। कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक जब हम लोग लर्न करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हम लोगों ने पिछले आर्टिकल्स में देखा था। शॉर्टली उसको रिवाइज करके हम एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग इस आर्टिकल में निकालने वाले। दोस्तों, हमने देखा था कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर द गिवन। NLX, N stand for main cell, L stand for subcell, and X stand for the number of electron in that subcell. These electronic configuration based upon the three fundamental rules. The first rule is Pauli's exclusion principle. Pauli's ने कहा था, every one orbital consists of maximum two electron with opposite spin. जो सेकंड रूल था वो था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज ने कहा था कि इफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर द प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी के प्रेजेंट हैं, तो एवरीवन ऑर्बिटल गॉट फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। और थर्ड होता है अबव प्रिंसिपल, यानी कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप बाय देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये पूरे की पूरा पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हमें आज स्टार्ट करना है एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल, सब सेल एंड देयर ऑर्बिटल्स। डेफिनेशन आपके सामने है, and these electronic configurations are given by NLX formula. N stand for the main cell, N stand for subcell, and X stand for the number of electrons in that particular subcell. यानी कि NLX formula से हम किसी भी elements का electronic configurations निकाल सकते। ये सब parts हमने previous article में देखा था। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अपॉन थ्री फंडामेंटल रूल्स। उनमें सबसे पहला आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड वन आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड थर्ड आता है अबव प्रिंसिपल। पॉलीज ने कहा था वन ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिटली स्पिन। हर्ट्ज ने कहा था इफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर द प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी के प्रेजेंट्स हैं, देन एवरीवन ऑर्बिटल फिल द फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। एंड अबव ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड बाय देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी वाला पहले फिलअप होगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। इन तीनों बेसिक रूल्स के बारे में हमने डिटेल में पिछले आर्टिकल्स में देखा है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने के पहले हम और भी कुछ बेसिक बातों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि किस तरह से एलिमेंट्स के अराउंडिंग अलग अलग सेल्स हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड बाय दैट द मेन सेल, KLMNOP और वन एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एंड एवरी वन मेन सेल हैविंग फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला 2N². सिमिलरली फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी, सेकेंड सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल्स कंसिस्ट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ सेल कंसिस्ट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। एंड एवरी वन सेल कंसिस्ट ऑफ दियर सब सेल्स, यानी कि फर्स्ट सेल में ओनली एस, सेकेंड सेल हैविंग एस एंड पी, थर्ड सेल हैविंग SPD, एंड फोर्थ हैविंग SPD ऑफ सब सेल्स। एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय दैट NLX, स्क्रीन के ऊपर आप लोग सब देख रहे हो।
अब जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल्स वो आपके सामने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड सो ऑन, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते भरते जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट एलिमेंट हमारे सामने आता है उसका नाम है हाइड्रोजन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स के न्यूक्लियस में है एंड कन्फिगरेशन उसका आ सकता है 1s1, इज दैट करेक्ट? एंड देयर ऑर्बिटल डायग्राम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिस तरह से डायग्राम्स आप लोग देख रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन्स वो भी अपोजिटली स्पिन वाला हमें डालना है, एक इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड वाला, सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ एच। आप सेकंड के पास जाएंगे, द सेकंड एलिमेंट्स इज हेलियम, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड द कॉन्फिगरेशन इज 1s2 एंड द ऑर्बिटल डायग्राम्स इज 1 सिंपल बॉक्स मीन्स 1 ऑर्बिटल एस वाली एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स से अपोजिटली स्पिन अकॉर्डिंग टू योर पॉलीज एंड वो रही इसके सामने। अपवर्ड एरो स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज स्पिन एंड डाउनवर्ड एरो स्टैंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इस तरह से हीलियम्स का कॉन्फिगरेशन आपके सामने। अब थर्ड जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो है लिथियम। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमको भरते भरते जाना है, कॉन्फिगरेशन सामने आता है 1s2 एंड 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिस तरह से, ऑर्बिटल डायग्राम्स आपके सामने 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिटली स्पिन वाले एंड 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन्स वो भी अनपेयर्ड वाले। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसका नाम है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है उसका 4 और कॉन्फिगरेशन है 1s2 एंड 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑर्बिटल डायग्राम्स के आपके सामने, यहाँ पे दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स 1s वाला और 2s बोथ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ अपोजिटली स्पिन एंड इज दिस वे वो कॉन्फिगरेशन आपके सामने। अब नेक्स्ट वन आता है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग समेशन करके देख लेंगे 1s2, 2s2, 2p1 यानी कि 2, 4 एंड प्लस 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस टैली। अब जब ऑर्बिटल डायग्राम्स की बारी आती है तो s हैविंग ओनली 1 ऑर्बिटल, सो देयरफॉर 1s में हमने एक बॉक्स निकाला है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में भी एक बॉक्स है s ऑर्बिटल्स के लिए, एक ऑर्बिटल्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट p सब सेल्स हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल px, py, pz एंड वो रही आपके सामने एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएगा px में अपवर्ड स्पिन वाला, तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ योर बोर्ड। आपके पास नोटबुक चाहिए, तुरंत ये सब आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, अब बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 एंड बेरिलियम 4, इस तरह से नंबर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक अलग तरह से भी दिया जाता है जिसे कंडेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कहा जाता है। आपने स्क्रीन के ऊपर देखा है कि लिथियम के सामने मैंने लिखा है हीलियम इन स्क्वेयर ब्रैकेट 2s1, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, 1s2 जो कॉन्फिगरेशन से वो हीलियम्स का है एंड जिस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो हीलियम हम लोगों ने लिखा है यानी कि इसे कंडेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कहा जाता है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमने देखा है कि इनर्ट गैस एलिमेंट जो 0 ग्रुप के एलिमेंट्स है उसकी हेल्प लेके हम कंडेंस कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है, हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आ रहा है कि हीलियम तक का कॉन्फिगरेशन कॉमन है, ओनली आउटर मोस्ट कैन बी गिवन टू यू दैट एंड देयर फॉर लिथियम इज ऑलरेडी रिटर्न, दैट इज लिथियम यानी कि 1s2 2s1 इज नथिंग बट हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट 2s1, यानी कि हीलियम का पार्ट कॉमन है एंड उसके आगे 2s1 हमें लिखना है, इज दैट क्लियर? सिमिलरली बेरिलियम्स का कॉन्फिगरेशन हम लोग हेलियम स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिख सकते 2s2 क्योंकि आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 2s2 आ रहा है एंड इन सिमिलर वे बोरॉन का जब हमें निकालना है कॉन्फिगरेशन तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा हेलियम एंड उस हेलियम के सामने हम लोग लिखेंगे 2s2 2p1 क्योंकि कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट 2s2 2p1 है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का कंडेंस कॉन्फिगरेशन निकाल सकते कोई भी एलिमेंट्स के बारे में। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे सामने आएगा वो है कार्बन, हम लोग तीनों रूल्स को अप्लीकेबल बनाएंगे, पॉलीज बताया, हर्न्स भी हम लोग अप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद आबो भी अप्लीकेबल करेंगे। अभी हम लोग दो रूल अप्लीकेबल कर रहे हैं, सपोज हम लोग कार्बन को पहले देखेंगे, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, कॉन्फिगरेशन इस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p2
अब फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि 1s2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 में प्रॉब्लम नहीं, टू इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। और जब p की बारी आएगी तो p में 3 ऑर्बिटल्स है, px, py, pz, एंड अकॉर्डिंग टू योर हर्ट्ज रूल हमें px में एक देना है और py में एक देना है। सो देयरफॉर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपके सामने है एंड कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2 ऑफ द कार्बन। नाउ द कंडेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे हेलियम और उसके आगे हम लिखेंगे 2s2, 2p2 क्योंकि हमें हेलियम तक का पार्ट कॉमन है। सिमिलरली नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 इन फ्रंट ऑफ यू, कन्फिगेशन आएगा 7 एटॉमिक नंबर माने कि 7 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2, 2p3 एंड अकॉर्डिंग टू अगेन योर आबो प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल हम लोग सब एप्लीकेबल करके देखेंगे, फिलअप करते जाएंगे। सो 1s2, 2s2, 1 ऑर्बिटल्स है बट पी हैविंग 3 सबसेल, 3 ऑर्बिटल्स एंड द फिलिंग बाय अकॉर्डिंग टू योर हंट्स रूल। एंड इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हर एक ऑर्बिटल में। ओके, सो px1, py1, pz1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। अब कंडेंस निकालेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट में हेलियम लिखा 2s2, 2p3। सिमिलरली नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लुक वेरी इंपॉर्टेंटली ऑर्बिटल डायग्राम्स, 1s2, 2s2, देर इज नो प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ 2p4 इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर सिंगल फर्स्ट px, py, pz एंड ध्यान पेयरिंग स्टार, एंड इसलिए लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो px में जाएगा। तो देयर फॉर px2, py1 एंड pz1, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अबाउट योर कंडेंस कन्फिगेशन, स्क्वेयर ब्रैकेट हेलियम एंड 2s2 एंड 2p4। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5 एंड इन द सेम मैनर हम लोग अगर उसको फिलअप करेंगे तो p ऑर्बिटल में हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट देना है एंड उसके बाद स्पेयरिंग स्टार्ट करना है एंड देयर फॉर कन्फिगेशन इन सच ए वे दैट px, py, pz एक एक पहले जाएगा एंड अगेन पेयरिंग स्टार्ट एंड देन px में एक एंड py में अपोजिटली स्पिन वाले ऑर्बिटल डायग्राम्स को आप लोग समझ रहे देख रहे हो। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगेन हमें देखना है हेलियम्स, स्क्वेयर ब्रैकेट लिख दिया 2s2, 2p5। अब आता है नियॉन जो कि इनर्ट गैस एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 10, पहले उसको निकाल लेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p6। आपको समझ में आया होगा कि नियॉन इज इनर्ट गैस एलिमेंट, व्हाई? बिकॉज ऑल द सेल्स आर फुलफिल, दीज आर द इनर्ट गैस एलिमेंट, डज नॉट टेक पार्ट इजली इन रिएक्शन। एंड इस तरह से उसका भी हम लोग कंडेंस निकाल सकते एबॉटिक और ऑर्बिटल डायग्राम्स भी, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग है एंड देयरफॉर आई चो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों आप लोग समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत सारी डाटा मिलती है, वो इनर्ट गैस एलिमेंट क्यों है? क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस ईजिली। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, कौन से ब्लॉक में आ सकता है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए कहा जाता है कि यही इस टॉपिक का इंट्रो है और वही इस टॉपिक का एंट्री है। ओके, नाउ लिसन, अब नियॉन्स का कंडेंस भी अगर निकाल लिया तो हेलियम्स के सामने आ सकता है 2s2, 2p6। अब नियॉन के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, अब हेलियम हम लोग नहीं लिखेंगे, वी वांट टू राइट अप टू द नियॉन्स आल्सो, क्योंकि अब लोग नियॉन तक का पार्ट कॉमन आएगा। लेट अस वन एग्जांपल सिंपली है दैट कि 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, उसका नाम है सोडियम। 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक का पार्ट्स नियॉन का पार्ट है, कॉमन है, एंड 3s1 में इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा क्योंकि हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, यानी कि 10 नियॉन तक कॉमन आ गए। अब थर्ड सेल स्टार्ट होगी, थर्ड सेल में s पहले फिलअप होगा, सो देयरफॉर 3s1 इज ए कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा आप लोग उस ब्लू लाइंस में देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक का पार्ट ये नियॉन का पार्ट है एंड देयर फॉर द कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज नथिंग बट इन स्क्वेयर ब्रैकेट नियॉन, यानी कि उस पूरे के पूरे नियॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम है एंड अप टू दैट नियॉन उसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो 3s1। एंड ऑर्बिटल डायग्राम्स में हमने देखा है कि 3s1 के सामने एक बॉक्स हमने निकाला क्योंकि s सबसेल है, एक ऑर्बिटल है एंड देयर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन से 3s1 अकॉर्डिंग।
इस तरह से हमें अब आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आएंगे उसमें हमें न्यूआंस का रेफरेंस लेना है और आगे टिल कंटिन्यू ऑर्गन तक जाना है। ओके, आप आएगा नंबर 12 मैग्नीशियम, कॉन्फिगरेशन आपके सामने 1s2 2 से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों ने देखिए, 3s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिटली स्पिन, और कंडेंस कॉन्फिगरेशन आपके सामने आता है वो भी नियॉन इन स्क्वायर ब्रैकेट 3s2। इज दैट क्लियर? इस तरह से कोई भी एलिमेंट का आप स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इज 13, आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p1, क्योंकि s के बाद थर्ड सेल का p फिलअप होगा और ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोग आउटर मोस्ट सेल के अगर निकालेंगे तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिटली स्पिन एंड p हैविंग 3 ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट यानी कि px में। ये ऑर्बिटल डायग्राम्स हो गए एल्यूमिनियम्स के। कंडेंस कॉन्फिगरेशन आएगा न्यूआन स्क्वायर ब्रैकेट में एंड ओनली रिमेनिंग आउटर मोस्ट 3s2 3p1। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन एटॉमिक नंबर 14 वाला सिलिकॉन, 1s2 से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, टोटल समेशन करके देख लेंगे वो आपको नियर अबाउट सबके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन में सबका ऊपर का समेशन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 तक आना चाहिए। ओके, सो सिलिकॉन्स हैविंग 14 सम करके देखेंगे वो 14 आ चुके हैं। ऑर्बिटल डायग्राम भी आपके सामने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी सब सेल में तो पीएक्स में 1 जाएगा और पीवाई में 1 जाएगा। और कंडेंस की बात अगर आएंगे तो कंडेंस आता है स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन एंड आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन ओनली रिमेनिंग लिखना है 3s2 3p2। नेक्स्ट वन आता है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 एंड सिमिलरली आप लोगों को मालूम है 3s2 में 1 ऑर्बिटल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन सामने डाले एंड p हैविंग 3 ऑर्बिटल एंड एवरी वन गॉट 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर हंस रूल। सो पीएक्स पीवाई पीजेड में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इस तरह से उसका कंडेंस भी आ सकता है स्क्वेयर ब्रैकेट में नियॉन और आउटर मोस्ट से 3s2 3p3 यानी कि नियॉन का 10 और 3s2 3p3 में हम लोग देखेंगे इस तरह से वो 3p2 में वो हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ओके लिसन, अब नेक्स्ट वन जो आता है वो है सल्फर, एटॉमिक नंबर जिसका 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब जब हम लोग उसको ऑर्बिटल डायग्राम्स निकालेंगे तो 3s2 के ऑर्बिटल डायग्राम तो सिंपल है और 3p4 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को देना है और उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करना है। ओके, इस तरह से px में एक, py में एक, pz में एक एंड देन रिमेनिंग px में एक गया, इसलिए px2 py1 एंड pz1 इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सल्फर। कंडेंस भी सिमिलरली आपके सामने नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया एंड 3s2 एंड 3p4। सिमिलरली द नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। एक इलेक्ट्रॉन्स भी अभी लेस है इनर गैस एलिमेंट्स के क्लोज जाने के लिए एंड कॉन्फिगरेशन आएगा आपके सामने इस तरह से, पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा एंड देन पेयरिंग स्टार्टेड, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, 1 1 1 पहले गया एंड देन फर्स्ट और सेकंड में एक एक चले गए। ओके, कंडेंस निकालेंगे नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट में एंड देन 3s2 3p5। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज आर्गन कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस एलिमेंट आर्गन आ चुका है, 18 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10 हो गए एंड 3s2 3p6 यहाँ पे हमें 8 है, यानी कि इस तरह से टोटल 18 कॉन्फ़िगरेशन मैच होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर निकाल लेंगे ऑर्बिटल डायग्राम्स में तो 3s2 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p6 में भी एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड देन पेयरिंग भी स्टार्ट हो रही है एंड इन दिस वे ऑल ऑर्बिटल्स आर द फुलफिल आर्गन HA स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब आता है आर्गॉन्स के बाद में हमें जो नियॉन्स लिया था उसको अभी हमें स्किप करके आर्गॉन को लेना है क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट आर्गॉन आ चुका है। अब एक बार पोटेशियम्स के एग्जांपल देख लेंगे, पोटेशियम्स हैविंग एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक आर्गॉन का पार्ट कॉमन है एंड ओनली रेड इन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो 4s1। अब जब ऑर्बिटल डायग्राम्स निकालेंगे तो आप लोगों को मालूम है यहाँ पे हमें तीनों के तीनों रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा, हंस रूल एप्लीकेबल करना है क्योंकि हमें पी ऑर्बिटल को फिलअप करना है। अब
अबो के अकॉर्डिंग टू 3p के बाद में 3d का नंबर था, बट 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया है, वो 4s में गया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर अबो प्रिंसिपल्स दोज हैविंग लोअर एनर्जी फिल द फर्स्ट, एंड 3d से 4s की एनर्जी लोअर है, इसलिए 4s का नंबर पहले, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू योर अबो प्रिंसिपल कॉन्फिगरेशन इज 3d में नहीं जाते हुए वो 4s1 में जा रहा है, एंड इसलिए कॉन्फिगरेशन आता है 4s1। और इसी तरह से अगर हमने उसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन निकाला है तो आर्गन तक का पार्ट कॉमन है, अब नियॉन नहीं लेंगे, आर्गन 18 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड 4s1 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इज दैट क्लियर? लिसन, हमने देखा अभी आर्गन में पूरा के पूरा फुल इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ओके, और इस तरह से 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन हमने डाला है। अब पोटेशियम में हमें तीनों की तीनों रूल्स एप्लीकेबल कर लिए, पॉलिश भी किया है, हंड्स भी किया है, और अबो भी किया है, ओके। नेक्स्ट वन, अब पोटेशियम्स के बाद आता है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, और 20 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग टू हम लोग जब फिलअप करते जाएंगे तो आर्गन तक का पार्ट कॉमन है, ओनली द लास्ट रिमेनिंग पार्ट इज 4s2, आर्गन 18 तक है और 4s में इलेक्ट्रॉन दो जाएंगे, और ऑर्बिटल डायग्राम्स भी यस लोग हमने निकाले। अब कंडेंस जब निकालेंगे तो आएगा आर्गन एंड देन 4s2, स्क्वेयर ब्रैकेट में आर्गन मतलब आर्गन तक का पार्ट कॉमन एंड देन ओनली 4s2। सो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन 1s2, 2s2 इस तरह से भी लिख सकते, या फिर स्क्वेयर ब्रैकेट आर्गन एंड 4s2, इट इज़ नथिंग बट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, ओके। अब कैल्शियम्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। अब हमने कैल्शियम तक का पार्ट देखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। 3p6 के बाद में 3d का नंबर नहीं लगा था, वो 4s में एक पहले इलेक्ट्रॉन्स गया था। अब 4s जब पूरी के पूरा फिलअप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दो चले जाएंगे, देन 3d का नंबर लगेगा, एंड इसलिए स्कैंडियम 20 तक 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, एंड देन रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स अब d का नंबर लगेगा, यानी कि पहले 4s फिलअप है, देन 3d है, एंड इसी तरह से स्कैंडियम में d ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, हमें अगले लोग देखेंगे। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम का आता है 4s2 3d1, ओके, एंड इस तरह से उसके ऑर्बिटल डायग्राम से, अब 4s2 है तो 1 ब्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब डी में हमें 5 ऑर्बिटल्स है, एंड इस तरह से हमें उस डी को फिलअप करना है, एक इलेक्ट्रॉन से वो फर्स्ट में जाएगा। अब कंडेंस जब निकालेंगे तो स्क्वेयर ब्रैकेट में आएगा आर्गन एंड देन 4s2 3d1, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। अब इसी तरह से हमें आगे आगे फिलअप करते जाना है, सेम वे दैट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो है टिटेनियम, 22 एटॉमिक नंबर, सेम थिंग इज अबाउट द स्कैंडियम, 4s2 के बाद में जो फिलअप होगा वो 3d2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d2, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, डी में 5 है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू योर हंड्स रूल हर एक को पहले हम लोग एक एक देंगे, एंड देयरफॉर दैट डी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन सेकंड हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कंडेंस निकाला है तो स्क्वेयर ब्रैकेट में आर्गन है 4s2 3d2। सिमिलरली वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, सेम स्कैंडियम का जैसा फिलअप करते रहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2, और आप 3d में इलेक्ट्रॉन 3 जा रहे हैं, एंड जब ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोग देखेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन्स हमें हर एक ऑर्बिटल्स को देना है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स और हंड्स रूल, ओके। ऑर्बिटल डायग्राम्स आपके सामने, और कंडेंस जब हम लोग देखेंगे तो आता है 4s2 3d3। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, और अकॉर्डिंग टू रेगुलर सीक्वेंस हमने अगर देखा है, जिस तरह से हम लोग सीक्वेंस भरते भरते जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। इफ यू गेट द समीशन, टोटल 24 इस तरह से फिलअप करते जाना चाहिए। d ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4s कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ए थियोरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम, बट एक्चुअली जब हम लोग क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से नहीं आता है, वो आता इस तरह से। व्हाई द रीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एक्चुअली फाउंड एट दैट 4s1 एंड 3d5। इसके पीछे का साइंस इस तरह से आ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अबव देखेंगे फर्स्ट लाइन में, तो 4s2 3d4 है, एंड 4 ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स लैक,
टू द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड, यानी कि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इट कैन बी एचओ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा एंड इट कैन बी एचओ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा एंड इसीलिए वो 4s में का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में अट्रैक्ट करते हुए वो कैच कर लेगा एंड 3d में जाएगा एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज नॉट 4s टू 3d4, इट मस्ट बी 4s1 3d5, बिकॉज व्हाई, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s सब सेल इट कैन बी जंप्स इनटू 3d सेल्स and therefore 3d having totally unpaired electron configuration and I show the stability and therefore for more stability the chromium having show the different electron configuration। theoretical से chromium का configuration अलग आता है, उसके पीछे का science आपके सामने है। इज दैट क्लियर? ओके, अब next, अब chromium के बाद में हमने देखा है कि वो अगर ऊपर का निकाल देंगे तो करेक्ट कौन सा आ रहा है, नीचे वाला, वो है 4s1 and 3d5। क्लियर? अब क्रोमियम के बाद में आपके सामने आता है मैगनीज, 25 एटॉमिक नंबर। अब सेम थिंग है, 1s2 2s2 भरते भरते जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन्स दो ऑलरेडी चले गए और 3d में 5 है, इस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन एचओ हो जाएगा। अगर हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन में निकाल लेंगे तो वो भी आएगा अर्गॉन 4s2 3d5। उसके बाद आता है आयर्न Fe, 26 एटॉमिक नंबर, और उसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आता है 4s2 3d5। अगर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोगों ने ऊपर और नीचे दोनों की अगर देखिए तो उस तरह से आएगी, एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल से और हर एक में आप अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब आयरन में जब देखेंगे कि डी ऑर्बिटल जब फिलअप करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा एंड देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल्स ऑफ द डी हैव द पेयर्ड एंड बाकी सब अनपेयर्ड्स है। आयरन तो कंप्लीट है, देन आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 एंड देन 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा 7। सो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7 ऑफ कोबाल्ट। अगर इनर्ट गैस एलिमेंट देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन 18 तक कॉमन एंड देन 4s2 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन 7। अगर हम समेशन कर लेंगे 18 आर्गन s एंड 7, इस तरह से 22 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड कर देंगे तो 20 एंड रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन, तो 27 एटॉमिक नंबर टैली हो जाएगा। अब आता है निकेल, एटॉमिक नंबर 28, फिलअप करते जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d8। ऑर्बिटल डायग्राम्स भी है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने है, इस तरह से वो समझ आता है 4s2 3d8, स्क्वेयर ब्रैकेट में आर्गन तो है कॉमन, और ऑर्बिटल डायग्राम भी आपके सामने कि एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एंड डी में जब फिलअप करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले देंगे एंड ध्यान उसको पेयरिंग करेंगे। ओके, एंड इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम्स एंड कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकेल इन फ्रंट ऑफ यू। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अब एटॉमिक नंबर 29 का कॉपर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकल हम लोग निकालेंगे तो वो इस तरह से आना चाहिए। चलो स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हो गए 20 एंड 3d9, यानी कि एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9। ऑर्बिटल डायग्राम से एक बार देख लेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन 2 है, d में 9 है, तो एक ही ऑर्बिटल d का अनपेयर्ड है, बट एक्चुअल जब फाइंड आउट करेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं आता है, वो इस तरह से आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 में कोई चेंजेस नहीं है, बट 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, 4s1 एंड 3d10। व्हाट इज हैपन, सेम थिंग हैपन अबाउट द क्रोमियम। क्रोमियम में क्या हुआ था, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स कम था अनपेयर्ड बढ़ने के लिए। अब कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो पूरे की पूरा डी ऑर्बिटल फुलफिल हो जाता है एंड इट कैन बी अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द फंडामेंटल रूल्स कि कॉपर क्या करेगा, 4s2 में का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में अट्रैक्ट कर लेगा एंड इट कैन बी गोज फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन।
एंड इस तरह से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 नहीं होता है, वो होता है 4s1 3d10। इज दैट क्लियर। एंड एक लास्ट आपके सामने आता है, वो है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। 1s2 2s2 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे और वो आता है 4s2 3d10। एंड इस तरह से वो पूरी की पूरी डी सेल यहाँ फिलअप हो जाएगी। इनर्ट गैस एलिमेंट आर्गन लिया, उसमें 4s2 3d10 अगर सामने लिखा तो वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा झिंक्स का। एंड इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम्स भी झिंक की आपके सामने आती है। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। 12th का कोई भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लगने वाले हैं। तो 30 तक नहीं रुकना है, 30 के आगे के जितने भी एलिमेंट्स है आपकी पीरियोडिक टेबल में, वो सब के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। आपके सामने तीनों फंडामेंटल रूल्स है और जनरल सीक्वेंस है, और इस तरह से आप लोग कोई भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो। इन सब चीज़ों को एक बार कंडेंसली देख लेंगे। एक चार्ट अपने पास है, इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, हाइड्रोजन्स का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने 1s1, फिर आता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन कार्बन। सेम कंडेंस भी हम लोग देख रहे हैं, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, और उसके बाद में नियॉन है। अब नियॉन तक का पार्ट कॉमन है। जब हम लोग कंडेंस देखेंगे तो हमने हेलियम के यूज़ किया है नियॉन तक। अब जब नियॉन के आगे के एलिमेंट अगर हमारे पास आएंगे सोडियम से, तो हम लोग उसके आगे नियॉन लिखेंगे। हमने फर्स्ट सेल सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स देखे सोडियम का कन्फिगरेशन के सामने, और कंडेंस आपके सामने आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा नियॉन एंड दैट एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके एंड सिमिलरली 3s1। तो जिस तरह से फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, हमने पूरी की पूरा डाटा अभी देखा है। ओके इस तरह से फास्फोरस है, फिर क्लोरीन है ना, सल्फर के बाद में एंड देन आर्गन आ जाएगा। अब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन्स है, वो डाटा फुलफिल है। अब आर्गन 18 तक का पार्ट है, आर्गन अगेन इनर्ट गैस एलिमेंट है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट जाएंगे कहाँ से, पोटेशियम से, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने इस तरह से 1s2 2s2 19 नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स डी में न जाते हुए 3 सेल के वो 4s में जा रहा है, और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आता है। यहाँ पे हमने आर्गन को लेना है अभी, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट आर्गन है उसका रेफरेंस प्रीवियसली नियरेस्ट वाला। तो फिर आर्गन आएगा और कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s1, वो 3d1 नहीं होगा, वो 4s1 होगा। ओके सिमिलरली कैल्शियम से 4s2 एंड देन फिर स्कैंडियम आएगा 4s2 3d1। फिर नेक्स्ट हम लोग जब भरते भरते जब जाएंगे, तब हमने देखा है कि जो क्रोमियम आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में 4s1 3d5 बताता है। ओके वो 4s2 3d4 नहीं है। इन सिमिलर वे हम लोग जो पूरी के पूरा डाटा निकालेंगे, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल्स है ना, इस तरह से अगेन कॉपर आता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सपेक्टेड अलग है, वो 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट एक्चुअली अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 4s1 3d10 है, क्योंकि मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए। एंड इन दिस वे लास्ट वन आपके सामने आता है जिंक है, जिसका एटम नंबर 30 है एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन HO है, यानी कि आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट में 4s2 3d10। दोस्तों इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मैंने रखे। ओके नेक्स्ट आर्टिकल्स में हम लोग पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, तब तक ले रुकेंगे। थैंक यू।